हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज मेन ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, वी नो दैट फिलोसफी इज़ अ डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज। द एरिया ऑफ फिलोसफी इज़ वेरी वास्ट। वी नो कि फिलॉसफी जो है एक डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। इसमें तमाम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद होती है, और इनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी इंपॉर्टेंस का हमें पता चलता है। तो फिलॉसफी जो है एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एक एरिया है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज। दीज कैटेगरीज आर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। दीज आर आल्सो कॉल्ड द एरियाज ऑफ फिलोसफी, डिवीजन्स ऑफ फिलोसफी, काइंड ऑफ फिलोसफी एंड ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी। एंड दीज ब्रांचेज आर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी की अगर हम मीनिंग की बात करें तो मेटाफिजिक्स का जो मीनिंग है दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसको हम एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बोलते हैं। इसमें जो डील करती है इट डील्स विद ऑल रियलिटीज़ के बारे में सर्च करना, दैट इज़ मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी इट डील्स विद नॉलेज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ नॉलेज। एंड एक्सियोलॉजी इट डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यूज़, जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं उनकी नेचर के बारे में स्टडी करना, दैट इज़ एक्सियोलॉजी। इनकी एग्जैक्ट मीनिंग की बात अगर हम करें तो मेटाफिजिक्स जो है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, जो चीज़ें वजूद रखती हैं उनके बारे में स्टडी करना। एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज, हाउ डू आई नो अबाउट इट, कि हम नॉलेज को कैसे जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो नॉलेज के बारे में स्टडी करना कि नॉलेज कितनी किस्म का है, कौन सा इलम बेहतर है, कौन सा इलम मोतबर है, तो दैट इज़ द कंसर्न विद एपिस्टेमोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वैल्यूज़ और स्टडी ऑफ एक्शंस, कि हमें क्या करना है और हमारी वैल्यूज़ क्या हैं और हमारे लिए कौन सी वैल्यूज़ अच्छी हैं। अब हम इनको ज़रा डिटेल से देखते हैं। मेटाफिज़िक्स जो है, मेटाफिज़िक्स इज़ द फर्स्ट डिवीजन ऑफ फिलोसफी। मेटाफिज़िक्स फिलोसफी की जो फर्स्ट ब्रांच है उसको हम मेटाफिज़िक्स बोलते हैं। इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटीज़, ये तमाम रियलिटीज़ की नेचर के बारे में जानती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज़ द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। मेटाफिज़िक्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसके पीछे रियलिटी क्या है, कि इस यूनिवर्स की रियलिटी क्या है, इंसानों की रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ ह्यूमन एंड व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। इस तरह जो चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में उसकी क्या हकीकत है, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं और जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती उनके पीछे क्या सच्चाई है, उनके पीछे क्या रियलिटी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन हमारे जहन में आते हैं, तो ये हम जो फिलॉसफी का जो ब्रांच है मेटाफिज़िक्स उसके अंदर डिस्कस होते हैं। मेटाफिज़िक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड, तो इसमें ग्रीक वर्ड्स हैं जिसमें मेटा मींस बियॉन्ड एंड फिजिका विच मींस फिजिक्स और नेचर। तो लिटरली इट प्रेफर्ड दोज थिंग्स आफ्टर द फिजिक्स और बियॉन्ड द नेचर। It asks questions such as what exists, what is real। ये वो questions हैं जिनके about सच्चाई को तलाश करना, जिनके about बहस करना जो है it is concerned with metaphysics। Metaphysics के जो question है इसमें what is the nature of the universe we live in, हम जिस कायनात में रहते हैं उसकी nature क्या है, उसकी फितरत क्या है, and what is the reality। तो फिलॉसफी का जो अहम जो शोबा है, जो ब्रांच है, वो मेटाफिज़िक्स ही है। जैसा कि हर कोई भी बाशऊर इंसान है उसके ज़हन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि किसी वजूद को समझने के लिए, उसकी रियलिटी तक जानने के लिए हमारा क्या मियार हो सकता है, कि कायनात की हकीकत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या हकीकत है इंसान की, दुनिया में मौजूद जो चीज़ें हैं असल हैं या कोई और असल हकीकत है। इस मौजू के ऊपर जो बहस करना है इसे हकीकत वजूद कहते हैं, मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म मेटाफिज़िक्स बोलते हैं। इसमें कायनात की हकीकत, कायनात में इंसान का मुकाम और कायनात के खालिक का कायनात से ताल्लुक़,
व्हाट इज़ गॉड, इस मौजू पर बहस की जाती है। मेटाफिज़िक्स के कुछ पार्ट्स हैं थियोलॉजी। इट इज़ कंसर्न विद द थियोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी, दैट इज़ इट इज़ अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड नेचर, जो खुदा की मौजूदगी और नेचर और फितरत के बारे में जो कंसर्न करता है, दैट इज़ थियोलॉजी। नेक्स्ट है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटीज़, अल्टीमेट रियलिटीज़। इट डील्स द अल्टीमेट रियलिटीज़ लाइक नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, वजूदियात की नेचर के बारे में जो है रियलिटीज़ को सर्च करना, उसको हम ओंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद ओरिजिन एंड इम्पोजिशंस, जो हमारे मसाइल हैं, जो असल उनकी जो उनके बारे में जो हमें प्रॉब्लम्स हैं और उनका मुतालिया करना जो है वो कॉस्मोलॉजी है। कॉस्मोगोनी। इट इज़ अ थीरी कंसर्निंग द ओरिजिन इन एंड द डिवेलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये कायनात की इब्तदा। कॉस्मोगोनी का जो मेन कंसर्न है वो कायनात की एग्जिस्टेंस, उसकी इब्तदा और उसकी जो डेवलपमेंट के मुतालिक जो नज़रियात हैं, जो उसका नज़रिया है, वो कॉस्मोगोनी है। उसके बाद है फिलोसफी ऑफ सेल्फ। फिलोसफी ऑफ सेल्फ में आता है कि इट रेफर्स टू द फिलोसफी इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्फ, जो हमें अपने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्फ है। फॉर एग्जांपल, हु आई एम इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर एवरी मैन। इट डील्स विद ऑल अदर क्वेश्चंस अबाउट मैन एंड हिज नेचर। तो ह्यूमंस के जो इंसान हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनसे डील करना और उनकी जो नेचर है उसके बारे में, दैट इज़ अ फिलोसफी ऑफ सेल्फ। एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है, जो सेकंड ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, वो है जो एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज। दिस इज़ द सेकंड व्यू ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द थीरी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के अबाउट जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा जो हमारे हम नॉलेज कैसे हासिल करते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ नॉलेज। तो एक्वायर अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन नॉलेज, कि तो इंसान की जो ह्यूमन नॉलेज है उसके बारे में जानना। तो जो सेकंड ब्रांच आती है फिलोसफी की, दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें आप ये क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, कोई चीज़ जो हमें पता है, तो वो किस तरह से पता है, उसकी क्या नॉलेज है, जो हमारे पास जो नॉलेज है उसको कौन कौन से सोर्सेज से हमने सीखना है, और वो नॉलेज जो हमारे पास है, जो हम सीखना चाहते हैं, क्या वो रिवील्ड नॉलेज है, क्या वो हमारी होली बुक्स या हमारे रिलीजियस बुक्स से जो हमें नॉलेज आता है, क्या हम उसी को हासिल करना चाहते हैं, या वही असल नॉलेज है, या फिर इसके अलावा हमारा जो साइंटिफिक जो प्रोसेस है, उस तरीके से अगर हमने जो नॉलेज हासिल किया है, उसके थ्रू हम जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको उनके अबाउट एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद जो हम रिसर्च करते हैं, तो क्या हम उसी को नॉलेज को हम अपने लिए बेहतर नॉलेज समझते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर डील किए जाते हैं, और एपिस्टेमोलॉजी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स का अबाउट जो है वो रिसर्च करती है। तो इसके जो नॉलेज की अगर हम बात करें, तो फलसफे का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, एक अहम शोबा है। इसमें हकीकत इलम को बहस का मौजू बनाया जाता है। इलम क्या है, कौन कौन से ज़रिए हैं, कौन कौन से सोर्सेज़ हैं, और इन सोर्सेज से हासिल होने वाले इलम की क्या हैसियत है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा इलम किस कदर हमारे लिए वैलिड है, मोतबर है, क्या इंसानी इलम या हवास के ज़रिए से जो हमारे जो फाइव सेंसेस हैं उनके ज़रिए से जो इलम हासिल होता है, क्या या हम जो वही या वजदान के ज़रिए से या रिवील्ड नॉलेज के ज़रिए से हम तक इलम पहुँचता है, या हमारी जो फाइव सेंसेस हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो नॉलेज गेन करने का ज़रिया हैं। तो इलम की कौन कौन सी सूरतें जो हैं वो बेहतर हैं, कौन से सोर्सेज या कौन सी जो इसके आस्पेक्ट्स हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं, तो हकीकत और इलम की तलाश जो है ना इस फिलोसफी के अंदर इस चीज़ को देखा जाता है कि नॉलेज हम कैसे हासिल करें, हाउ डू वी गेट नॉलेज, हाउ डज़ अ मैन व्हाट इज़ रियल, कि इंसान कैसे जान सकता है कि हकीकत क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और जो है वो नॉलेज के अबाउट एनालाइज की जाती हैं। उनमें देखा जाता है कि नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज के मेथड्स क्या हैं, किन ज़रियों से हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, किन तरीक़ों से नॉलेज हासिल कर सकते हैं, नॉलेज कितनी किस्म का होता है, और नॉलेज की लिमिट्स ऑफ क्या है, और वैलिडिटी क्या है। तो दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजी। जो थर्ड ब्रांच है फिलोसफी की वो है एक्सियोलॉजी, दैट इज़
द थर्ड ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो एक्सियोलॉजी में आपको बताया जाता है कि व्हाट वैल्यूज़ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हैं या नहीं, जो इसके अलावा जो हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ होती हैं उनके अबाउट जो स्टडी हम करते हैं वो एक्सियोलॉजी है। तो एक्सियोलॉजी जो वर्ड है वो एक्सियस मीन्स वैल्यू एंड लॉजी मीन्स साइंस, तो साइंस ऑफ वैल्यूज़। Axiology is the third area of philosophy which deals values, studies values and philosophically, a theory of values and the nature of values. तो यहाँ पर जो question देखे जाते हैं, what are the higher values of life, के हमारी ज़िंदगी की जो values हैं, जो अहम values हैं, वो कौन सी हैं, what are the principles of our life, तो हमारी ज़िंदगी के जो principles हैं, गुजारने के जो असूल हैं, वो क्या हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी के जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं उनको देखना होता है, उनको हम फॉलो करते हैं, ना ही ये नहीं कि हम जो अदर हम सोसाइटीज़ की जो ट्रेंड्स हैं तो उनमें वही हम जो उनको हम फॉलो करना शुरू कर दें। तो जो हमारे माशरे की अपनी एक वैल्यू, हर माशरे की अपनी एक वैल्यूज़ होती हैं जो कि इस सोसाइटी की फ़लसफे पर बेस करती हैं। हमारे कल्चर के मुताबिक, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। इन वैल्यूज़ को फोकस करते हुए हम ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमें फॉलो करनी है, और इनको अच्छे इनमें यह है कि देखना है कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का जो मियार है उसको हमने देखना होता है इस एक्सियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज़ सच एज ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस ऑफ लाइफ। एक्सियोलॉजी के थ्री एरियाज़ हैं, एरियाज़ ऑफ एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी स्टडीज़ थ्री एरियाज़, लॉजिक, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। लॉजिक डील्स विद द रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रीजनिंग। तो इसमें हम देखते हैं लॉजिक के अंदर के जो हमारी इस्तदलाल है, जो हमारी सोच है और जो टेक्निक्स है, इसके अबाउट जो स्टडी है उसको हम जो है वो बोलते हैं लॉजिक। एथिक्स मतलब अखलाकियात। तो अखलाकियात का जो शोबा है, जो फ्रांस है, वो भी इन जो फ़लसफा है वो इंसान की, जो इंसानों की है, वो बहुत ज़्यादा रहनुमाई करता है। इसको अगर हम उर्दू में देखें तो इसको कदरियात का नाम दिया जाता है, कि खैर और शर में, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना, इम्तियाज़ करना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, जायज़ और नाजायज़ के बारे में फ़ैसला करना, डिसीजंस करना। और इसके अलावा देखा जाता है एथिक्स जो है, इसको हम मॉरल फिलोसफी भी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज मॉरल फिलोसफी। इट डील्स जजमेंट ऑफ राइटनेस एंड रोंगनेस, गुडनेस एंड बैडनेस। तो अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, तो इखलाकियात के ज़मरे में जो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ एथिक्स। एक्सियोलॉजी की जो थर्ड ब्रांच है, दैट इज़ एस्थेटिक। एस्थेटिक जो है, द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। इट इज़ कंसर्न विद द ब्यूटी, इट एनालाइज्ड ब्यूटी एंड अगलीनेस, देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरिंग द टू कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ टेस्ट एंड एप्रिसिएशन। इसमें ब्यूटी और अगलीनेस की खसूसियात, उनकी करेक्टरिस्टिक, इन दोनों तसव्वुरात की पैमाइश के जो मियार का तज्जिया है किया जाता है इसमें, उसको हम देखते हैं कि जो हमारी जो इसको जमालियाती पहलू भी बोला जाता है फ़लसफे का। तो इसमें एक देखा जाता है कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा किस तरह से कहना है, और हमारी जो इसकी नोयत, असल नोयत क्या है, और जो मुस्तकिल जो कदरें हैं, जो इसमें आर्ट क्या है, और आर्ट से नेचर से आर्ट की नेचर क्या है, और ब्यूटी के अबाउट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अबाउट जो हमारे जो पैमाने हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अबाउट जो स्टडी करना है, दैट इज़ एस्थेटिक।